is for some of our dignitaries who have forged friendships with the Jamaat over many years, and they come and bring their messages of goodwill to the Jalsa. And again this afternoon we have a number of dignitaries who will be addressing the conference. Our first dignitary, who unfortunately is not able to be with us this afternoon due to ill health, was going to be a prominent politician and journalist, Mr. Zuhoor Butt. In his absence, he has sent a message to the conference, which will be in Urdu, and I'm going to ask one of our brothers, Mr. Abdullah Chaudhry Sahib, to read the message. Chaudhry Sahib is also, by the grace of Allah, the president of the UK Pakistani Chamber of Commerce. I'd request him to come and give us the message from Mr. Zuhoor Butt Sahib, please. Muhtaram Amir Sahib, distinguished delegation from all over the world, and my aziz bhai bhaiyo, Zuhoor Butt Sahib ko dil mein thoda aur bhi aapko bata dun. Zuhoor Butt Sahib hamare UK Pakistan Chamber of Commerce ke बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन भी हैं. उनका एक बड़े अच्छे हिस्टोरियन हैं, कई बुकों के ऑथर हैं, सोर वर्दी के साथियों में थे, और यहाँ इंग्लैंड में उनका लीगल साइड पे और सोशली बहुत मकाम है, और जंग में और नवाए वक्त में और खबरों में, खबरें अखबार में रेगुलरली लेते हैं. मैं उनकी स्पीच आज पढ़ कर सुना रहा हूँ. कुकुर की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो तशरीफ नहीं ला सके हैं. अब मैं शुरू करता हूँ उनकी स्पीच. गुज़श्ता कुछ हफ्तों से लाल मस्जिद इस्लामाबाद में पाकिस्तान की कमांडो फोर्सेस और दहशतगरों के दरमियान होने वाली खुली जंग के बाद शुरू होने वाले खुदकश हमलों ने मुल्क के हर शहरी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या यही वो पाकिस्तान है जिसका ख्वाब हमने 14 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के बाद देखा था. कहाँ वो पाकिस्तान जो इल्म हुनर की दौलत से माला माल होकर एक जदीद और तरक्की पजीर रियासत बननी थी, और कहाँ यह पाकिस्तान जो अपनी जहालतों की वजह से जमीन कदीम ज़माना की भूल भलियों में खोता जा रहा है. कहाँ वो पाकिस्तान जिसे शहरी आज़ादियों का चैम्पियन बनकर दुनिया के तमाम ममालिक के लिए इतिहाद, तंजीम और यकीन मौकम का नमूना पेश करना था, और कहा यह पाकिस्तान जहां आज भी मजहबी रवादारी का मुकम्मल फकदान है, शिया सुन्नी का और सुन्नी शिया का गला काटने को इस्लाम का कला जुज करार दे रहे हैं. पाकिस्तान में रहने वाली तमाम अकलियतें जिनके साथ बानी पाकिस्तान कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना ने बला तसर और बला तफरीक बराबरी के हकूक देने का वादा किया था, वह आज हालत खौफ में जबान खोलने से भी डरती हैं. कायद अजम ने 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की आइन साज असेंबली के पहले इजलास में दान किया था कि हुकूमत की सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुल्क में अमन अमान और कानून की हुक्मरानी कायम करना होगा, ताकि हर शहरी की जान माल और उसके मजहबी अकायद को रियासत की तरफ से मुकम्मल तहफ़ हो. कायद अजम तो पाकिस्तान के बनने के एक साल बाद ही 1948 में इंतकाल फरमा गए, मगर उनके बाद आने वाले सियासतदानों, अफसर शाही, फौजी जनरलों ने मिलकर अमन व अमान के साथ साथ इस्लाम की भी वो मिट्टी पलीत की है कि आज मस्जिदों के अंदर बम फट रहे हैं, सड़कों पर खुदकश हमले हो रहे हैं, और लोग अपने कमरों में बंद कमरों में भी खुद को महसूस नहीं करते. आज हालत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ मजहबी जमातों ने इस्लाम को यरब मलाल बनाकर इस पर अपनी अपनी जारादारियाँ कायम कर ली हैं. हर कोई अपने ब्रांड का इस्लाम दूसरे पर ठोसने की ज़बरदस्त कोशिश कर रहे हैं. एक आम मुसलमान के नज़दीक तो खुदा एक, रसूल एक और कुरान एक है, और हर कलमा गो मुसलमान है, मगर इन मजहबी जमातों के दरमियान इस कदर शदीद अख्तलाफात पाए जाते हैं कि आपस में इस बुनियादी नुक्ता पर मुतफ़िक़ नहीं कि इस्लाम की तारीफ क्या है, मुसलमान की तारीफ क्या है. यहाँ बैठे हुए सीनियर हजरात को याद होगा कि 1953 में
पाकिस्तान के तमाम शिया और सुन्नी मजहबी जमातों ने मिलकर अहमदियों को एक गैर मुस्लिम अकलियत करार दिलवाने के लिए एक पुरतशद तहरीक चलाई थी, जिसके बाद इस तरीके वजूहत दरियाफ्त करने के लिए अदालत आलिया के जस्टिस मोहम्मद मनीर और जस्टिस आर एम चानी पर मुश्तमिल एक कमीशन कायम किया गया था। क्योंकि तमाम मजहबी जमातें अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिलाना चाहती थी, इसलिए अदालत के सामने सवाल पैदा हुआ कि मुसलमान की तारीफ क्या है और क्या अहमदी इस तारीफ पर पूरे उतरते हैं या नहीं। चुनाचे तमाम मजहबी जमातों के रहनुमाओं से फर्दन फर्दन ये सवाल पूछा गया कि मुसलमान की तारीफ क्या है। इन जजों की हैरत की इंतहा न रही जब उन्होंने देखा कि किसी एक मजहबी रहनुमा के बयान किए गए मुसलमान की तारीफ दूसरे से नहीं मिलती थी। यहाँ तक कि एक ही जमात के दो उलमा मौलाना जमात इस्लामी के मौलाना मदूदी और मियाँ तफैल मोहम्मद भी एक दूसरे से मुख्तलिफ राय रखते थे। चुनाचे इन जजों ने अपने फैसले में लिखा कि अब हम बहसियत जज अगर अपनी तरफ से मुसलमानों की कोई तारीफ लिख दें तो ये उलमा हमें भी फौरन दायरा इस्लाम से खारिज कर देंगे। इन उलमा में जमात इस्लामी के मौलाना मदूदी, मियाँ तफैल, मौलाना अमीन एहसन इस्लाही, जमीयत उलमा पाकिस्तान के मौलाना अबुल हसनात, सैयद मोहम्मद कादरी, मौलाना अहमद अली, मौलाना अब्दुल हमीद बदयानी, मजलिस एहरार के मौलाना तालवा शाह बुखारी, मासूर ताजुद्दीन अंसारी के अलावा मौलाना दाऊद गजनवी और बहुत से उलमा शामिल थे। कमीशन की इस रिपोर्ट के मुताबिक शिया उलमा के नज़दीक सुन्नी काफिर थे और सुन्नी के नज़दीक शिया। इसके अलावा सुन्नी जमातें आपस में एक दूसरे से पीछे नमाज पढ़ना तो दरकनार, एक दूसरे को गैर मुस्लिम, काफर और वाजिबुल कत्ल करार देती थी। चुनाचे जस्टिस कियानी ने तो अपने रिमार्क्स में लिख दिया था कि अगर खुदा न खास्ता इनमें से एक ग्रोह की कमर भी बन जाए तो ये दूसरों से क्या सलूक करेंगे, इसका तसव्वुर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चुनाचे उन्होंने करार किया कि जमात अहमदिया मुसलमान जमात है और उसको गैर मुस्लिम करार देना किसी लिहाज से भी सही नहीं है। इसके बाद 1976 को चलिए, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने महज अपनी ज़ाती इख्तदार को दांव देने के लिए उस वक्त की कौमी असम्बली से मुसलमानों को अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिलवाया और उनको गैर मुस्लिम करार दवा के इस्लाम के सुनहरी सुलूक ला इतराफ़ दीन की नफी की। मजहब इंसान और खुदा के दरमियान बराह रास्त रिश्ता होता है और किसी शख्स असेंबली को यह हक नहीं पहुँचता कि किसी को गैर मुस्लिम करार दे। इसके बाद जनरल रियाल हक ने कानून में मजीद तरमीम करके आइन में वो सिर्फ अहमदी हजरात को तंग करने की खातर ऐसी तरमीमें की जिसने इस्लाम और पाकिस्तान का नाम तमाम दुनिया में बदनाम किया हुआ है। आज जो फिरका वारियत का जहर पाकिस्तान में फैल गया है और किसी को सुकून हासिल नहीं है वो इन्हीं इकदाम की वजह से है। आज जरा अपने मदरसों की तरफ देखें, पाकिस्तान के मदरसों की तरफ देखें, यहाँ हमारे बच्चों और नौजवानों को तलबीन के नाम पर इस बुरी तरह बेनमाज किया जा रहा है, उन्हें हर तरह के असला से लेस करके उनसे अपने ही मुसलमान भाइयों को कत्ल करवाया जा रहा है। जगह जगह खुदकश हमले हो रहे हैं और जहाद के नाम पर मुसलमानों से मुसलमानों को मरवाया जा रहा है। अमन व अमान एक ख्वाब बन के रह गया है और हम संत व हिरफत, साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे जदीद तलीम हासिल करने की बजाय बुनियाद परस्ती और जहालत के अंधेरों में गुम होते जा रहे हैं। याद रखें कि यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है कि इन तमाम मदरसों में दीन के साथ और दुनियावी मजामीन के तलीम की लाजमी करार दी जाए और तलबा को उनके हुनर सिखाकर अपने लिए बारोस बाइज़त रोजगार कमाने के काबिल बनाया जाए। मेरे जहन में कोई शक नहीं कि अगर हमने दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों की सफ़ों में शामिल होना है तो मुल्लाइज़्म की बजाय हमें बानी पाकिस्तान कायदे मोहम्मद के इस तसव्वुर पाकिस्तान को अपनाना होगा जिन्होंने 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की पहली आइन साज असम्बली से खिताब करते फरमाया था। यही एक रास्ता है जिस पर आगे चल के पाकिस्तान को सही मायनों में जदीद और फ्लाई मुनक्सिब बनाया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।